शांति 21/6/2022 की साकार मुरली। मीठे बच्चे देवताओं से भी ऊंच यह तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो। प्रश्न, तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? उत्तर, मनुष्य से देवता बनना यह ऊंची चढ़ाई है जिस पर तुम चढ़ रहे हो। कहते भी हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस। यह बहुत लंबी चढ़ाई है, लेकिन वंडर है जो चढ़ते 1 सेकंड में हो, उतरने में टाइम लगता है। प्रश्न, पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? उत्तर, दिखाते हैं घड़े से सीता निकली, अर्थात जब पाप का घड़ा भर कर फूटा तब सीता और राधे का जन्म होता है। गीत इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना भक्ति मार्ग का। पुकारते हैं कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। बुद्धि में बैठा है कोई और दुनिया है, जहाँ शांति भी थी सुख भी था। महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हों के चित्र भी यहाँ हैं। मनुष्य जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं वह तो जैसे क्वार्टर दुनिया की है, आधा कल्प की भी नहीं है। सतयुग त्रेता का तो किसको पता नहीं है, आंख ही बंद है जैसे काने हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते ही नहीं है, वर्ल्ड कितनी बड़ी है, कब नई वर्ल्ड शुरू हुई है, फिर पुरानी होती है, फिर पुराने से कब नई बनती है, यह तुम बच्चे अभी जानते हो। बनेंगी तो जरूर ना, गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन में आना ही है। कलयुग के बाद सतयुग फिर जरूर होगा, संगम पर सतयुग स्थापन करने वाला आएगा। यह समझाने की बड़ी युक्तियां हैं, कलयुग को सतयुग बनाने वाला बाप ही है। इतनी सहज बातें भी किसकी बुद्धि में नहीं आती हैं, क्योंकि बुद्धि को माया का ताला लगा हुआ है। परमपिता परमात्मा की महिमा भी गाते हैं, हे परमपिता परमात्मा बुद्धिवानों की बुद्धि आप हो, बुद्धिहीन को आप बुद्धि दो। और सब आसुरी मत देने वाले हैं, श्रेष्ठ मत देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों को अभी तीनों लोकों का ज्ञान है, ऐसे नहीं सिर्फ वर्ल्ड का ज्ञान है, वर्ल्ड से भी आगे तुम जानते हो। मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन यह तीनों लोकों का बुद्धि में ज्ञान है। जो अच्छी रीति से पढ़ते हैं उन्हों की बुद्धि में है। तुम स्कूल में पढ़ते हो तो पढ़ाई पूरी रीति बुद्धि में रहनी चाहिए। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। तुमको त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे, त्रिलोकीनाथ कोई बनता नहीं है, त्रिकालदर्शी अक्षर ठीक है। तीन लोक तीन काल को तुम जानते हो बरोबर। हम मूल वतन में रहते हैं, हम आत्माएं वहां निवास करती हैं। यह ज्ञान और किसकी बुद्धि में है नहीं, यह तुम जानते हो। परमपिता परमात्मा त्रिकालदर्शी है, आदि मध्य अंत तीनों कालों को और त्रिलोक को जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को वैकुंठनाथ कह सकते हैं, त्रिलोकीनाथ नहीं। वे हैविन व स्वर्ग के मालिक हैं, बाप को पैराडाइस का मालिक नहीं कह सकते। तो यह भी समझने की बातें हैं। परमात्मा जैसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। कहते भी हैं परमात्मा जानी जाननहार है, नॉलेजफुल है, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। समझते हैं जानी जाननहार है तो सभी के दिलों को जानते होंगे, सर्वव्यापी कह ग्लानी कर देते हैं। अभी तुम तो ईश्वरीय वंशावली हो, फिर दैवी वंशावली बनेंगे। ईश्वर बड़ा व सतयुग के देवताएं बड़े, उन देवताओं से बड़े सूक्ष्म वतन वासी देवताएं हैं,
सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे ना, वह है ही अव्यक्त, यह तो व्यक्त है ना। यह जब पावन फरिश्ता बनते हैं तब महिमा है। ब्राह्मणों को अभी अलंकार देंगे तो वह अस्त्र शस्त्र शोभेगा नहीं, इसलिए विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। शंख चक्र गदा पदम, अब इनका अर्थ भी तुम समझ गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को तो अस्त्र शस्त्र देंगे नहीं, यह है अभी की बात। वास्तव में यह ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है, स्थूल हथियारों की बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो स्थूल हथियार आदि हैं, पांडव और कौरवों की सेना दिखाई है, परंतु उसमें फीमेल को नहीं दिखाया है। पांडव सेना में पुरुष दिखाते हैं, बाकी शक्ति सेना कहाँ गई, यह है गुप्त, कोई को पता ही नहीं यह शिव शक्तियां कहाँ गई। इनका वृत्तांत कुछ भी नहीं दिखाते हैं, शक्तियों ने कैसे लड़ाई की, सेना दिखाते तो है ना, किसको भी समझ में नहीं आता है। जिसने जो कुछ बोला सो लिख दिया, यथार्थ रीति अभी तुम जानते हो। हम सब एक्टर्स हैं, हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा जिसको क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर कहा जाता है, उन द्वारा तुम सारे ड्रामा के राज को जानते हो। इनमें चार युग हैं अथवा चार भाग हैं, जिसको एपिक युग कहते हैं। वास्तव में है पांच, पांचवा यह कल्याणकारी युग है। सतयुग और त्रेता के संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि उतराई होती जाती है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, यह हैं सीढ़ियां, तो सीढ़ी उतरनी ही पड़ती है। ज्ञान में तुम एक ही बार गैलप करते हो, फिर ऊपर चढ़ी हुई सीढ़ी उतरते ही जाते हो। सीढ़ी उतरना बड़ा सहज होता है, चढ़ने में बड़ा मुश्किल होता है। तुम कितनी मेहनत करते हो, मनुष्य से देवता बनना ऊंची चाढ़ी है ना। कहते हैं ना कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस, जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर गिरते हो तो एकदम चकनाचूर हो जाते हो। कितना समय लगता है, यह बहुत लंबी चाढ़ी है। तुम जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं फिर उतरेंगे, सेकंड लगता है चढ़ने में, पिछाड़ी में आने वाले सेकंड में चढ़ सकते हैं। अबलाओं माताओं पर कितने अत्याचार होते हैं, बच्चियां पुकारती हैं बाबा निर्वस्त्र होने से बचाओ। ढेर बच्चियां हैं, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, मारते हैं तो उन्हों के पाप का घड़ा भरता है, जो भरकर फूट जाता है। दिखाते हैं ना घड़े से सीता निकली, अभी तुम सच्ची सच्ची सीताएं निकल रही हो। राधे भी निकली तो सीता भी निकली। रघुपति राघव राजा राम लिखने से सीता का नाम डाल दिया है। जगत अम्बा जगत पिता ही, फिर राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते हैं। यही लक्ष्मी नारायण थे, फिर अंत में देखो क्या बन जाते हैं। सतयुग में कोई इतने 33 करोड़ मनुष्य नहीं थे, वहां तो बहुत थोड़े होते हैं, बाद में वृद्धि होती जाती है। देवी संप्रदाय ही पुनर्जन्म लेते लेते फिर आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। अभी आसुरी संप्रदाय को फिर देवी संप्रदाय बना रहे हैं, कल्प कल्प बनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है, तुम ही त्रिकालदर्शी बनते हो, तीनों लोकों की भी नॉलेज मिली है। तुम कहेंगे हम पूज्य बैकुंठ नाथ थे, अब पुजारी नर्क के नाथ बने हैं। हम सो का यथार्थ अर्थ ना जानने के कारण ही आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, कितना फर्क कर दिया है। अभी तुमको समझाया है यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, तुम इस बेहद के चक्र को भी जान गए हो, तीनों लोकों तीनों कालों को भी तुम जानते हो। यह गुप्त बात बाप पढ़ाते हैं, किसको पता नहीं है। गीता में कोई ऐसी बातें थोड़े ही हैं, यह नॉलेज जिसके पास है वही सिखलाएंगे, फिर अपना पार्ट उसी समय रिपीट करेंगे। क्राइस्ट अपना पार्ट अपने समय पर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्य शूद्रवंशी बनते हैं, चक्र फिरता रहता है। इस्लामी बौद्धी फिर अपना पार्ट रिपीट करेंगे,
जब एक देवी देवता धर्म रहता है तो और सभी धर्म रहते नहीं। वर्ल्ड तो एक ही है। बाप ने क्रिएटर और क्रिएशन का राज समझाया है। हर एक मनुष्य हद का ब्रह्मा है। बच्चों को क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। क्रिएशन को वर्षा मिलता है रचयिता बाप से। भाई भाई को वर्षा देते हैं, यह कब सुना है? बच्चे समझते हैं एक तो है हद का बाप, वह तो सभी को मालूम है। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने से कोई सारे सृष्टि के मालिक थोड़े ही बनते हैं। यह बेहद की बात है। हद वाले सभी उस बेहद बाप को याद करते हैं। उनको कहते ही हैं बाबा, शिव बाबा। क्रिएटर को बाबा कहेंगे ना? सिर्फ बाबा हल्का नाम है, इसलिए शिव बाबा कहते हैं। वह है ही निराकार। पूछा जाता है शिव बाबा से तुम्हारा क्या संबंध है? कहते हैं ना शिव बाबा झोली भर दो। बाबा का शिव नाम एक्यूरेट है, शंकर का चित्र अलग है। शिव और शंकर दोनों को मिलाकर शिव शंकर कहना यह तो बड़ी भारी भूल है। ऊंचे ते ऊंच बाप को भूल गए हैं। चित्र बहुत अच्छे हैं। ब्रह्मा द्वारा अब स्थापना हो रही है, ज्ञान भी अभी मिलेगा। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण कहाँ से आए? उनको अडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया है। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए। तुम जानते हो अब हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। प्रजापिता अक्षर जरूर डालना है। सिर्फ ब्रह्मा कह देने से ब्रह्मा नाम तो बहुतों का है, प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो कोई का नहीं होगा। यह तो मनुष्य है ना। रुद्र शिव बाबा ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। जरूर ब्राह्मण चाहिए। तुम जानते हो ब्राह्मण कैसे होते हैं? यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, फिर सो देवता बनना है। आना फिर इस सृष्टि पर है, फिर यह सभी कहाँ जाएंगे? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाते हैं। पुरानी दुनिया की आहुति इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में पड़ती है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकलती है। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, आसार भी बरोबर देखते हैं। यह हूबहू वही समय है। गाया हुआ है यूरोपवासी यादव, कौरव और पांडव। भारतवासी अपने धर्म को ही भूल गए हैं। चित्र भी हैं लेकिन किसको पता नहीं है। देवी देवताओं का राज्य था, परंतु उनको यह राज्य किसने दिया? देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई, यह बिल्कुल नहीं जानते। जो धर्म स्थापन करते हैं वही समझते हैं, जो धर्म स्थापन करते हैं वही समझाते हैं। और कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा ना सके, तीनों लोगों का ज्ञान कोई दे ना सके। सबके पार्ट को तुम समझ गए हो। यह सब फिर अपने समय पर पार्ट बजाने आएंगे। आगे चलकर तुम्हारी महिमा भी बढ़ती जाएगी। वृद्धि जल्दी होनी है तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़ेगा। ड्रामा में पार्ट है। समझते हो कितने बच्चे आएंगे? वृद्धि को पाते ही रहते हैं। आएंगे भी शिक्षा लेने, बाकी तो ऐसे ही घूमने बहुत आते हैं। समझो कोई एजुकेशन मिनिस्टर आदि आते हैं तो उनको भी नॉलेज समझानी है। हमारी है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सारे कल्प के चक्र को कोई भी नहीं जानते। तुम अब ज्ञान सागर द्वारा मास्टर ज्ञान सागर बने हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदेव बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। सर्व अलंकारों को धारण करने के लिए पावन फरिश्ता बनना है।
दूसरा, बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाप है, उनकी ही श्रीमत पर चल बुद्धिवान बनना है। यह ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इस नशे में रहना है। वरदान रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, लेकिन खुशबू नंबरवार है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा। मन बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं जाए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी और संस्कारों में भी ब्रह्मचारी। ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त बनते हैं। स्लोगन, यथार्थ सत्य को परख लो तो अतींद्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। आप दृष्टि